गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुका हूँ और अभी आज भी धूप ही दे रहा है कल का जैसा ही। तो आज को फिर से जाना पड़ेगा अदरक बारी दवाई लगाने के लिए, क्योंकि कल को खत्म नहीं हुआ। तो इसी के कारण आज को फिर से जा रहा हूँ। आज को तो पूरा दिन नहीं लगेगा कल का जैसा, आज को आपका 3-4 टैंकी मारने से हो जाएगा ऐसा बोल रहा है पिताजी। तो पिताजी पापा तो चला गया, तो अभी मैं जाऊँगा दोस्तों। और मामा को भी मैंने कॉल किया था, समीर राय ब्लॉग्स, उन्होंने भी बोल रहा था बम्बू काटना है ऐसा बोल के बोल रहा था। तो मैं बोल दिया कि मेरा भी इधर काम है, ख़त्म नहीं किया, तो बोल दिया कि मैं बाद में ख़त्म करके जाऊंगा ऐसा करके बोल दिया मैंने। और अभी फ़िलहाल जा रहा हूं मैं, तो दवाई वगैरह करके देखते हैं। 12-1 बजे तक तो ख़त्म हो जाना चाहिए, उससे जल्दी होना चाहिए, अब देखेंगे जाके तो वो कर लेते हैं। उसके बाद आके टाइम मिलने से जाएंगे मामा का वहाँ पे। दोस्तों बने रहिएगा, अभी सीधा वहाँ पे चलते हैं। पिताजी तो ऑलरेडी चला गया, अभी मैं जाऊँगा दोस्तों। आज भी कल का ही जैसा पानी भूकना पड़ेगा पूरा, ये तो पूरा दर्द दे रहा है ना, तो आज भी भूकेगा तो दर्द नहीं देगा, एकदम पूरा मजबूत हो जाएगा दोस्तों। तो अभी सीधा चलते हैं वहाँ पे, गाइस बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गया, और ये देखिए बाल्टिंग जहाँ पे हम लोग यहाँ पे मामा का यहाँ पे रखा था बाल्टिंग और ये टैंकी वगैरह सब, तो यहीं से दवाई वगैरह मिक्स करके पानी लगा गए। ये देखिए पापा अभी जा रहा है, और मैं जाते जाते इस बाल्टिंग से पानी मेरे को लेके ही जाना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी पानी भर लेते हैं दोस्तों। पिताजी जा रहा है और ये पूरा फुल हो चुका है, और पिताजी जाके स्टार्ट करेगा, मैं स्टार्ट करूँगा पानी भुकने के लिए दोस्तों, बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी एक बाल्टी पानी मैंने लेके आ गया, और आज को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा, क्योंकि कल मैं भूखा था इस पर तो वो पूरा दर्द दे रहा था। आज को भूखा है तो बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था, तो मैं यहाँ से लिया और थोड़ा सा सर पे भी मैं भी लिया, तो जैसे तैसे करके लेके आ गया। और पहले तो वहाँ पर था, कल को उस तरफ में था, वो वाला पेड़ में था दवाई लगाने वाला, वहाँ पे रख रहा था। तो अभी तो वहाँ से फिर से आगे लेके आया यहाँ पे, देखिए दोस्तों, क्योंकि इस तरफ में पड़ता है ना, तो थोड़ा दूर हो जाता है वहाँ से लेके आना दवाई में, टैंकी में दवाई भरना, तो इसीलिए तो थोड़ा दूर हो गया। अभी सामने में लेके आया यहाँ पे दवाई मारने के लिए, तो मेरे को भुकने के लिए थोड़ा दूर हो गया, तो कोई नहीं। तो कल का वजह से थोड़ा दर्द दे रहा है, तो उपाय नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। और वहाँ से हो रहा है, वहाँ से लेके आना पड़ रहा है ना, तो इसीलिए तो बोल रहा था एक अंकल ने, वहाँ पे भी है नदी है, उसका सामने से भी हो जाता है, सामने हो जाता है इस तरह यहाँ से लेने से बोल रहा था, पता नहीं अब देखेंगे जाके। और उस तरफ में थोड़ा जंगल है और खेती भी लगाया है ना पूरा कॉर्न का, तो रास्ता भी नहीं होगा शायद, पता नहीं, जाके देखेंगे तो चेक करेंगे दोस्तों। नहीं तो मेरे को यहाँ से थोड़ा दूर हो रहा है, तो वहाँ से तो नज़दीक है अगर होगा तो, और रास्ता थोड़ा देख के जाना पड़ेगा, तो मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों। तो धूप भी बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो भुकना तो पड़ेगा ही पानी गाइस, तो भुकते हैं गाइस। पिताजी देखिए वहाँ पे दवाई लगा रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, उस तरफ का तो हो चुका है, अभी इस तरफ का मारना है। अभी मैं आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे नदी है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे, नदी मतलब एक नाला टाइप का है, और मैं यहाँ पे आ गया, अब यहीं से ले जाऊँगा मैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए खेती है कॉर्न का, तो मेरे को ये इसका बीच बीच से आना पड़ा, तो यहाँ पे पूरा हल चलाया हुआ है ट्रैक्टर से, तो रास्ता नहीं है, मिट्टी पूरा ऊंचा नीचा है, तो थोड़ा मुश्किल होगा, कोई नहीं। और इस जगह देख सकते हैं आप, यहाँ पे संसारी पूजा किया था, जो कि मैंने वीडियो बना के भी दिखा चुका हूँ। और इसके सामने में यहाँ पे है नाला, तो यहीं से पानी ले लेता हूँ मैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे अभी से भूखने के लिए। और मतलब थोड़ा सामने में हो जाता है, तो इसीलिए वहाँ से तो बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो अब मैं यहीं से ले जाऊँगा, मेरे को सामने पड़ेगा दोस्तों, बने रहिएगा। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरा लेके आ गया, और एक बाल्टी मुश्किल सामने में है, पर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे कॉर्न का खेती मकई का है, और वो पूरा हल चला है ना का ऐसा, ये पसीना आँख में चलने से बहुत ज़्यादा जलता है गाइस, आँख में घुस जाने से, तो वो मिट्टी रास्ता नहीं है ना, तो बीच से आना पड़ता है, तो मिट्टी पूरा ऊँचा नीचा है, हाँ ट्रैक्टर का वजह से, हल्का वजह से, तो थोड़ा दिक्कत होता है आने के लिए, पर कोई नहीं, सामने में है, यहीं से आप स्टार्ट करेंगे, वहाँ से होने से आपको दूर होता है, और तो यहीं से अभी लेने पड़ेगा दोस्तों। तो मैंने लेके आ गया, तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, धूप भी ज़्यादा है, तो बादल भी है, थोड़ा थोड़ा टाइम पर धूप चला जाता है बादल से, तो उस टाइम को थोड़ा अच्छा लगता है, वैसे तो पूरा धूप तो दे ही रहे दोस्तों। तो ठीक ही है गाइस, तो आज को तो अदरक में दवाई लगा के ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आज को ख़त्म हो जाएगा, यानी कि मतलब कभी नहीं लगाना, ऐसा नहीं है, फिर एक महीना के बाद में फिर उग जाएगा जो जंगल, तो उसको फिर से दवाई लगाना पड़ेगा, तो ऐसा करना पड़ता है दोस्तों। तो बने रहिएगा, आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए। तो दोस्तों फाइनली मैं फिर से आ गया यहाँ पे पानी लेने वाला जगह, देखिए कुछ ऐसा है, और यहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल गाइस, देख सकते पूरा उधर में पूरा फॉरेस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट है, और मैं यहीं से पानी लूँगा दोस्तों। मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा, बस कल का मेरा ऑलरेडी पूरा व्लॉग बना हुआ है, तो बस मैं आपको अपडेट दिया, तो मैं पानी ले कर चला जाता हूँ दोस्तों, बने रहिएगा।
दोस्तों अभी मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ और सोचा आपको कुछ दिखा दूँ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये बड़ा सा पेड़ है, ये है सिंबल का पेड़, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए वो बड़ा बड़ा जितना भी पेड़ आपको दिख पा रहा होगा ना, वो सभी सिंबल का पेड़ है और इसका रुई निकलता है, देख सकते हैं आप। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए गाइस ऐसा रुई होता है इसका, ये देखिए पूरा गुटी भी होता है ये वाला जो, ये देखिए इसका ये निकलता है। अभी इसका सीज़न है ना, तो ये जहाँ तहाँ पड़ा रहता है, ये देखिए दोस्तों जहाँ तहाँ मिलेगा आपको, देखिए पूरा सफ़ेद सफ़ेद, ये देख सकते हैं आप वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। देखिए ये बड़ा सा पेड़ है, तो अभी इसका सीज़न चल रहा है, तो ऐसे अदरक वो करने का, दवाई लगाने का टाइम भी ये सब फूलता है दोस्तों। तो मैं सोचा ये आपको दिखा दूँ। फाइनली पूरा दवाई लगा के भी कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, देख सकते हैं पापा ने पूरा ले लिया और थोड़ा सा दवाई बचा है वो उधर दे देगा बोला है, तो जिसका टैंकी था उसी को दे देगा बोला है। तो अभी हम लोग कभी लगा के ख़त्म हो गया, 12 बज चुका है दोस्तों, तो ख़त्म हो गया। अभी जाके लंच वगैरह करेंगे दोस्तों, बने रहिएगा। बहुत इतना ज़्यादा गर्मी देख सकते हैं आप, पूरा चेहरा में पूरा पसीना पसीना हो गया। अब सीधा चलते घर पर। तो दोस्तों अभी घर में पहुँच गया, 12 भी बज के पार हो चुका है और दवाई वगैरह लगा के तो कम्प्लीट कर दिया, तो अभी लंच करते हैं दोस्तों। लंच में आज है रोटी गाइस, ये देख सकते हैं आप, रोटी दोठू है और यहाँ पे सब्जी है वो भी बॉयल का गाइस, पूरा बम्बू सूट लगा के इसका साथ खाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे कुछ ये कचौड़ी क्या लेके रखा है, तो ये भी है, तो अभी लंच कर लेते हैं दोस्तों, बने रहिए। पूरा गर्मी में बॉयल खाना बहुत अच्छा होता है दोस्तों, वो भी बम्बू सूट के साथ में बहुत हेल्दी होता है दोस्तों, बने रहिएगा। बॉयल का साथ रोटी खाते हैं गाइस। और यहाँ पे देखिए पापा पूरा खा रहा है और वहाँ पे नीचे मम्मी भी खा रही है, तो मैं भी स्टार्ट कर लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों साग है एकदम पूरा बॉयल बम्बू सूट के साथ में ना, एक नंबर। गर्मी में गाइस ये बॉइलिंग चीज खाओ बहुत अच्छा होता है। ये देखिए दोस्तों पूरा बॉइलिंग और यहाँ बम्बू सूट, ये देखिए गाइस ये देखिए, बहुत टेस्टी। ये देखिए दोस्तों खत्म खत्म खत्म। तो दोस्तों अभी जा रहा है घर को, ये देखिए मुर्गा लेके जा रहा हूँ। और एक्चुअली हम लोग आज चिकन खाएगा सोचा था, तो लोकल वाला, तो यहीं से अभी फूफू यहाँ पे पड़ोसी वहाँ से अभी लेके जा रहा है दोस्तों। और ये बिक्री नहीं कर रहा है फूफू लोग भी, मतलब हम लोग का भी एक्चुअली है लेकिन छोटा छोटा है, तो यही साइज़ का बाद में बड़ा करके घुरा देना पड़ेगा दोस्तों। तो फिलहाल के लिए लेके जा रहा हूँ दोस्तों, आज चिकन डिनर होगा, बने रहिएगा दोस्तों। ये देख सकते हैं पूरा आज को चिकन डिनर हो रहा है एकदम लोकल वाला गाइस, यहाँ सामने पड़ोसी फूफू लोग का घर से लेके आया है दोस्तों। ये देख सकते हैं आज इसका साथ पूरा चिकन डिनर करेंगे दोस्तों। ब्रॉयलर कितना खाएगा, ब्रॉयलर ज़्यादा खाना भी सही नहीं है और पूरा लोकल वाला खाएगा वो सोच के हम लोग ने आज लेके आया। एक्चुअली हम लोग का घर में भी है पर छोटा छोटा है, इसीलिए वो फूफू लोग का वहाँ से ख़रीदा नहीं है, जस्ट मतलब नेपाली में बोलते हैं हम लोग का पोइंच है ना, जो हम लोग का फिर से उसको घुरा देना पड़ेगा उतना ही बड़ा करके, तो इसीलिए वजन वगैरह कुछ नहीं किया, जस्ट पकड़ा है तो एक मतलब उससे अनुमान करके तो लेके आ गया, फिर हम लोग का भी इतना ही बड़ा करके रिटर्न कर देना पड़ेगा, तो इसीलिए ऐसा करके लेके आया दोस्तों। आप लोग को ऐसा करता है नहीं करता है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, आप लोग को कैसा लगा ये सिस्टम जो एक्सचेंज सिस्टम। तो पहले पहले का ज़माना में तो पैसा नहीं था तो यही सिस्टम करता था बोला है, बदले में बदली अदला बदली, तो ऐसा करके लेके आया दोस्तों। और आज को होगा एकदम स्पेशल वाला चिकन डिनर, मम्मी पूरा टेस्टी से बनाएगी और बने रहिएगा दोस्तों। ये देखिए अभी डिनर कर लेते हैं, ये देखिए गाइस ये वाला जो आपका वो दिन में खाया वाला बॉयल का है, ये पूरा बम्बू सूट का साथ में, और यहाँ पे पूरा लोकल चिकन हो गया है दोस्तों। और यहाँ पे पानी अभी है, पूरा खा लेते हैं दोस्तों, बने रहिएगा।
गाइस अभी डिनर भी हो चुका है और आज तो चिकन डिनर किया पूरा लोकल का साथ में। तो कैसा लगा आपको लोगों को बताइए आज का व्लॉग। तो लाइक कीजिए चैनल पे, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मिलते हैं कल और एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।